ब्लॉगिंग कर रहे हो तो तुम वही बात कहोगे जो तुम्हारे मन में होती है। सच में अगर तुम्हारा एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस कैसे आप सब लोग? एक्चुअली ना आज थोड़ा सा क्या बता रही हूँ मैं आपके लिए पता नहीं क्या हो रहा है यार। एक बात तो है कि अगर हमारा मूड कभी कितना भी ऑफ हो है ना, पर हम जो ब्लॉगिंग करते हैं ना तो सच में हमारे फेस पर एक हैप्पीनेस आ जाती है, ऐसा होता है ना। तो मतलब जो लोग भी ब्लॉगिंग करते हैं और जो लोग भी वीडियो शूट करते हैं उनके साथ ऐसा होता है। लेकिन हम चाहे कितने भी सैड हों, कितने भी परेशान हों, बट जब भी हम फ़ोन उठाते हैं ना अपना, तो कहते हैं ना कि भाई फोटो में तो हर कोई स्माइल करता ही है ना। तो ऐसे ही है, जब भी हम ब्लॉगिंग करते हैं तो एक अलग ही खुशी मिलती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि ऐसा लगता है कि ये फ़ोन है ना, ये हमारी सारी बातें सुन रहा है और सारी बातें सुन रहा है, सारी बातें इसको समझ में आ रही हैं, ऐसी वाली फीलिंग आती है फ़ोन को देख के। तो जब भी ब्लॉगिंग करते हैं ना तो फिर सच में मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं फ़ोन उठाती हूँ अपना, तो मैं जब भी जो भी बोलती हूँ ना, सिर्फ एक हैप्पीनेस। चाहे मुझे कितनी भी कोई भी टेंशन हो तो मैं फ़ोन उठा के एकदम अच्छा ही फील करती हूँ। तो ऐसा मेरे साथ होता है। तो सच में मॉर्निंग में सुबह सुबह मैंने कहा चलो अच्छा नहीं लग रहा है आज, तो ब्लॉगिंग करते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा एक अच्छी फीलिंग होती है। कभी कभी ना मैं परेशान भी होती हूँ, परेशान क्या, बीमार भी होती हूँ ना, तो भी मेरा मन करता है कि ब्लॉगिंग करते हैं तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। चाहे लेट ही हो ना, फिर भी मुझे लगता है कि ब्लॉगिंग करते हैं, कुछ कहते हैं। ये चीज़ ना सच में मैंने कई बार नोटिस किया अपने साथ में कि जब भी मैं, अगर कुछ भी हो रहा हो ना, मैं थोड़ी सी परेशान भी हूँ या बीमार भी हूँ, लेकिन मैं जब भी ब्लॉगिंग करती हूँ, जब भी कैमरा उठाती हूँ, फ़ोन उठाती हूँ अपना, तो एक मतलब कहते हैं ना एक सुकून सी, एक शांति सी, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं शायद वो अच्छी इस चीज़ को मेरे को समझ सकते हैं, बाकी का सबको लगे क्या बकवास कर रही है। लेकिन सच में ऐसा है, सच में ऐसा है। एक ऐसी चीज़ हो गई है ब्लॉगिंग करना कि हम उससे सारी बातें अपनी कह सकते हैं। लेकिन ब्लॉगिंग जो मतलब होता है ना कि अगर तुम ब्लॉगिंग कर रहे हो, डेली ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो तुम वही बात कहोगे जो तुम्हारे मन में होती है। सच में अगर तुम्हारा वही दिखा सकते हो तुम, क्योंकि बन के नहीं दिखा सकते, कुछ भी नहीं दिखा सकते हो बन के, क्योंकि हो ही नहीं पाता, बिल्कुल भी नहीं हो पाता। एक दिन कर लोगे बन के, दो दिन कर लोगे, बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते। जो दिखाना होता है रियल ही दिखा सकते हो। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम गुस्सा ही दिखाओगे, और हैप्पी हो तो हैप्पी ही दिखाओगे, सब कुछ वही दिखेगा, सेम दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखा सकते। तो ये सच में बहुत ही ज़्यादा होता है ब्लॉगिंग में। तो बहुत सारे लोगों की मैंने यूट्यूब पर भी कमेंट देखे कि आप लोग स्क्रिप्टेड रहता है, स्क्रिप्टेड रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है ब्लॉगिंग में, सिर्फ जो होता है वो रियल ही दिखता है। क्योंकि कब तक दिखाएंगे हम, कब तक दिखाएंगे? अगर वीडियो में जब भी फ़ोन उठाता है व्यक्ति, तो बस वही कहता है जो उसके मन में और उसके दिमाग में चल रहा होता है, वही कहता है, और कुछ भी सोचा हुआ नहीं होता, बस उस टाइम उसे जो याद आता है बस वो कहता है। जो लोग भी कहते हैं ना कि हम मतलब हमें थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, हम बोल नहीं पाते हैं, जब भी फ़ोन उठाते हैं तो समझ में ही नहीं आता कि क्या बोलना है, क्या बोलना है, तो होता है, होता है। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, मतलब मेरी इंस्टा पे फ्रेंड बन गई है, उससे मेरी काफ़ी बात होती रही थी, तो उससे तो मैंने उससे बोला था कि कुछ अपनी वॉइस में कुछ बोला कर। तो उसका कहना था कि मैं नहीं बोल पाती हूँ, मुझे नहीं बोल मिलता है सच में फ़ोन उठा के, तो मैं बोल नहीं पाती हूँ, बस ओनली मतलब सॉन्ग वाली भी वीडियो बनाती है। और एक चीज़ और थी, हाँ, वो थोड़ा सा कपड़े का रिव्यू अपनी उनकी शॉप वगैरह है, तो उसका उन्होंने दिखाया था कि मतलब कपड़े उनसे लो, ऐसा कुछ था। तो मैंने ये बोला था कपड़े दिखाने से अच्छा उसके बारे में बताओ, तो वो बेस्ट रहेगा, लोगों को बताओ उसके बारे में कि क्या क्वालिटी है, क्या चीज़ है, उनको प्राइस बताओ, तब लोगों को अच्छे से समझ में आएगा इसमें कितने कलर हैं, कितने पीस हैं आपके पास, इतने कि कैसे सेल, मतलब कैसे आप ले सकते हैं। मैंने उनको सब कुछ बताया, लेकिन आप बताना पड़ेगा आपके लिए, वो बहुत ज़रूरी। तो उसका कहना था कि मैं बोल नहीं पाती हूँ कैमरे, तो होता है डियर, सच में ऐसा होता है, नहीं बोल पाते। लेकिन मैं सच में आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन आप एक बार सीख गए बोलना, एक अच्छी तो फीलिंग आने वाली है आपके लिए, और सच में आपका काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाने वाला है। बस एक बार उठा के बोलना सीखो, मैंने सीख लिया है। अब सच में मुझसे कहीं भी बुलवा लो, मैं अपना कैमरा उठा के आराम से ब्लॉगिंग कर सकती हूँ, अब तो कर लूंगी आराम से, मैं कोई दिक्कत नहीं है अब तो मुझे। गाइस मैंने ना इसको ऑर्डर किया था, ये मैंने आपको दिखाया था कल वाले ब्लॉग में, तो मैंने ये ऑर्डर किया। सच में यार कुछ समझ में नहीं आ रहा इसका यूज क्या करना है। देखो जी ऐसे स्टैंड है इसका, है ना, अब ये नीचे भी नहीं जा रहा जिससे मैं पकड़ के ऐसे ब्लॉगिंग कर सकूं, ये इस प्रॉपर से भी सही नहीं है।
तो नीचे तो जा नहीं रहा, बस इसको रख सकते हैं, हम इतना कर सकते हैं कि इसको रख सकते हैं, बस ये यही काम आने वाला है। अब क्या करूं इसका, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। एक्चुअली इसमें माइक है, माइक बहुत अच्छा है, लाइट बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट ये हम एक ही चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टैंड तो ऑलरेडी मेरे पास रखा हुआ है, ऑलरेडी मेरे पास है, एक और ब्लॉगिंग स्टैंड है वो भी मेरे पास है। अब इसको रखूँ या नहीं रखूँ, आई एम वेरी कन्फ्यूज। आप लोग बताना कि क्या करना चाहिए, मुझे इसे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्या ये मेरे काम आ सकता है, बताना प्लीज़, मेरी हेल्प करो थोड़ा सा। सो गाइस, मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हमने बनाया था ब्रेकफास्ट में बीन्स की सब्जी। तो बीन्स की सब्जी किस किस ने खाई है, आप लोगों ने खाई है? मैंने कभी नहीं खाई थी, मैंने यहीं आके खाई है, ट्राई करिए खा के, ठीक है? ओके ओके है। तो आज खाई थी बीन्स की सब्जी, और साथ साथ में मैंने बनाया, अब मैं दूध पीने लगी हूँ। अच्छा अच्छा हो गया हूँ, मैं दूध पीने लगी हूँ। तो दूध मैं ऐसे पीती हूँ, मैंने दूध में डाले हैं, पता है मैंने क्या डाला है? एक्चुअली ना मैं ड्राई फ्रूट भी ना, पता नहीं, बड़ा कभी कभी बहुत ज़्यादा अजीब लगता है मुझे, नहीं खाए जाते हैं। तो मैंने क्या किया, पिस्ता और काजू, कोई ना कोई आ जाता है, तो पिस्ता और काजू ना मैंने इसको पेस्ट बना लिया, और मैं इसको दूध मिला के पीने वाली हूँ। तो अब दूध में पीने लगी हूँ, तो इसलिए अब दोनों को पेस्ट बना के फिर इसमें डाल के फिर मैं पीऊँगी, तो अच्छा लगेगा, दोनों चीज़ें जाएंगी, दोनों चीज़ें काम एक ही काम में चल जाएगा। कहते हैं क्या, दो पंत एक काज, ऐसा कुछ फिट हो रहा है ना, इस हो रहा है तुक्के पे, कोई नहीं, नहीं हो रहा हो तो आप लोग फिट कर लेना। तो आज तो मैंने ये दूध बना लिया है, मैं ये बस ये बोलने वाली थी, मैंने दूध, आप मैं दूध ऐसी वाला पीने वाली हूँ, ये सब कुछ डाल के, तो टेस्टी भी लग रहा है सच में। काफी टेस्टी लग रहा है सच में, आप भी ट्राई करके देखना। और वैसे बहुत बेकार लगता था प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन पाउडर से भी बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था मुझे, पता नहीं मुझे पसंद नहीं है प्रोटीन पाउडर, लेकिन हाँ ये अच्छा लग रहा है सच में, ये टेस्टी लग रहा है। गाइस अभी ना, अभी क्या हुआ, अभी अभी ना एक बच्चा आया था, वो कह रहा है मुझसे नीचे से आके हंसी आ रही है मुझे अभी भी सच में सोच के, वो कह रहा है कि आपका यूट्यूब पे चैनल है? मैंने कहा हाँ मुझे पता है, तो मैंने कहा ओके पता तो है ना, तो कह रहा है नाम क्या है आपके चैनल का तो समझ में ये नहीं आया उसे पता क्या है, जब चैनल का नाम ही नहीं पता तो पता नहीं उसने क्या देखा तो ऐसे बच्चे कभी कभी कर देते हैं। तो मैं अभी रिसे अभी बाहर आई थी। आप लोग ना सच में इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, पढ़ने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब मैंने सोचा है जिन लोगों ने भी मुझे कमेंट किए हैं, मैं उनके कमेंट स्क्रीन पर लगाने वाली हूँ, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि उनके कमेंट थोड़े से दिखाए जा रहे हैं। तो मैं उनके, अभी मुझे याद तो नहीं रहा है, वरना मैं आपको सच में पढ़ के दिखा देती, और मेरे पास फ़ोन में एक ही यूज करती हूँ, दूसरा नहीं करती हूँ, वरना मैं आपको पक्का पढ़ के दिखाती, लेकिन मैं स्क्रीन पर जरूर लगाऊंगी उन लोगों के कमेंट, बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे कमेंट हैं। तो थैंक यू सो मच जो आप लोग इतना सारा प्यार देते हो मुझे, थैंक यू सो मच। गाइस मैं आपको बता दूं, अभी ना 3:20 हो चुका है, अप्रोक्स 3:30 ही बजने जा रहे हैं, पर अभी तक बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। आप लोग देख सकते हैं, मतलब बिल्कुल भी धूप नहीं निकली, इतना ज़्यादा मौसम ठंडा हो रहा है, धूप ही नहीं निकल रही है। बस शाम होने वाली है, थोड़ी देर में पता चलेगा शाम हो गई, और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सो के उठे हूँ अभी जस्ट। तो अभी मैं लंच से जस्ट फ्री हुई हूँ, क्योंकि अभी हम मतलब हो जाता है कि 3-4 तो बजे ही बज जाते हैं दोपहर के खाने से फ्री होने में, तो 3 अभी बज चुके हैं, 3:30 बज चुके हैं अभी, और थोड़ी देर में 5 बजे अंधेरा हो जाएगा, और फिर से सच में फिर से हो जाएगा। तो अभी का ना डे में बस ऐसे ही कुछ चल रहा है, और इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही है, सोच रहे हैं न्यू ईयर पे क्या करें क्या करें कहाँ, वैसे मैं प्लान कर रही हूँ कहीं ना कहीं तो जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे आपको दिखाएंगे जरूर कि हम न्यू ईयर पे कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन अभी करती हूँ मैं वीडियो को एडिट। एंड गाइस आप लोग एक चीज़ मुझे बताओ प्लीज़ कमेंट करके, कि वीडियो मैं इवनिंग में डालूँ या मॉर्निंग में डालूँ, मैं इस चीज़ को लेकर बड़ा कंफ्यूज रहती हूँ, इवनिंग में डालूँ मॉर्निंग में डालूँ, इवनिंग में मॉर्निंग में, कब मतलब होता है कि हम एक्टिव रहते हैं तो कब डालूँ, मैं बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मैं कब डालूँ, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू। गाइस अभी ना रात के पूरा 12:30 हो रहे हैं, और मैं उठ गई हूँ, पता है क्यों उठी हूँ, क्योंकि मेरा मन कर रहा था दूध पीने का। एक्चुअली ना मैंने ना वो मैंने मॉर्निंग में आपको दिखाया था कि मैंने ना वो वाला मेवे वाला दूध पिया था, पिस्ता वाला, तो उसको ही मतलब मुझे याद आ रहा था कि वो ही मुझे सेम वही दूध वाला वही दूध पीना है, तो मैंने अपने लिए बनाया है दूध अभी रात में उठ के।
और काफी देर से मैं जाग रही हूँ क्योंकि सर्दी हो गई है ना, मौसम सॉरी उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है इतना ज्यादा ठंडी की वजह से। अब मेरा उठने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मेरा दूध भी पीने का मन कर रहा था, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी जिसकी वजह से तो मैंने कहा पहले उठ जाती हूँ ना नींद नहीं आएगी, और लेडी 12:30 हो चुके हैं तो मैं ना साथ साथ में अपना पानी भी लेके जा रही हूँ गर्म किया हुआ, मैंने इसमें रखा था पानी बट मेरा पानी ना ठंडा हो गया। अब मैं सुबह उठ के क्या करने वाली हूँ, अपने लिए ना अपना जो पानी रहेगा ना वो गर्म वाली केतली में रखूँगी कल से, जिससे मुझे मतलब बार बार मुझे गर्म नहीं करना पड़े, तो मैं जो मेरा पानी रहेगा मैं वो गर्म वाली केतली में रखूँगी क्योंकि मैं मेरे गला ख़राब है ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं पी पा रही हूँ अभी ठंडा पानी, बिल्कुल भी नहीं पी रही हूँ ना पीना चाहूँगी क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे गले में, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पता है कितना टाइम हो गया मुझे ये करते करते, पूरा 10 मिनट हो गया, तो मैंने कहा चलो कैप्चर करते हैं रात का सीन कि हम क्या क्या करते थे रात में। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने रूम।